उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के उम्मीदवार प्रवीण प्रताप गुप्ता उर्फ राधे भैया ने आकाश नर्सरी के निकट पर किसान सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रवीण प्रताप गुप्ता उर्फ राधे भैया को अपना आशीर्वाद दिया। भानु जी के नेतृत्व में जो आज सम्मेलन हुआ है और ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक ये संदेश देने के लिए आए हैं कि किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का कोई मामला होता है, उनकी फसलों का जो उचित मूल्य हो गया वो दिया जाएगा, इसी की मांग को लेकर के वो अपनी बात रखने आए हैं। जो आने वाले चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव के नगर पालिका के अब चुनाव हम लड़ रहे हैं और सीट भी लगभग हमारी जनरली ही रहेगी, ऐसी आशा है हमें। तो उसके लिए ये है कि हमें शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़नी है, केवल अपने विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, शहर के विकास की लड़ाई लड़नी है। जितना प्रयास होगा, ईश्वर की और आप लोगों की कृपा रही, सब लोगों के सहयोग से अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो शहर को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे, हर तरीके से शहर को चमकाने का काम करेंगे, हर दिशा में काम करेंगे। जो नगर पालिका के काम होते हैं, सबसे पहले हमारी समस्या है जल भराव की। जरा सी बारिश हो जाती है 5 मिनट के लिए तो 2-2 फुट, 2.5 फुट, 3-3 फुट पानी हो जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी 2-3 दिन पहले से लाइट नहीं है और कल दोपहर लाइट आई है, वो भी जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा है, तब लाइट आई है। उनसे निवेदन किया कि सारा शहर त्रस्त है, पानी नहीं है, लैट्रिन के लिए पानी नहीं है। तब जाकर के उन्होंने 3 घंटे के लिए हमारा आश्वासन मांगा और उन्होंने लाइट की व्यवस्था करा दी। हमने टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था कराई, जितनी हो सकती थी वो हमने कराई। दूसरी बात, हम हमेशा जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे, उनके दुख सुख में साथ रहेंगे। चाहे सड़क का मामला हो, शहर की सफाई का मामला हो, शहर में किसी और भी का मामला होता है, तो हम नगर पालिका के माध्यम से अगर हमें शहर की जनता चुनती है तो हर तरीके से उनके साथ है। जैसे हैंडलूम नगरी के नाम से जाना जाता है पिलखुआ को, आखिर पिलखुआ को लाइट की दिक्कत क्यों रहती है? पिलखुआ को लाइट की दिक्कत इसलिए रहती है कि पिलखुआ में नेतागिरी ज़्यादा है, हमारे शहर के नेता इतने एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव और लो जगह के हैं। जैसे मुरादनगर है, मुरादनगर में लाइट की कोई समस्या नहीं है, जबकि वो भी कस्बा है, वो भी कोई शहर नहीं है। और हमारे यहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा है, इसलिए ही हमारे यहाँ जितने भी प्रतिनिधित्व राजनीति करने वाले हैं वो लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि वो आगे हमारा पिलखुआ आगे बढ़े। किसान सम्मेलन हुआ है यहाँ पर, तो किसानों की सबसे बड़ा समस्या जो है वो शुगर मिल का गन्ना पेमेंट बताई जाती है। अभी आपने भाषण में कहा कि करीब 200 करोड़ रुपया दोनों शुगर मिलों पर बकाया है, तो किसान संगठन उसके लिए क्या कर रहा है और क्या मांगे हैं किसान संगठन? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ आया था पिलखुआ में, और यहाँ के किसानों ने और हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया है कि सिम्बावली शुगर मिल और ब्रजनाथपुर शुगर मिल पे किसानों का 200 करोड़ रुपया बकाया है। यदि वो नहीं देंगे, पहले तो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, और नहीं देंगे तो इन मिलों के खिलाफ जनवरी में घोर आंदोलन होगा। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी जनवरी में? रणनीति ये रहेगी, जो हमारा पैसा नहीं देगा, हमारे पैसे की बेईमानी करेगा, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और हमका कोई मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री है, हम किसान नेता हैं। वो किसान नेता का काम होता है मान ले, मिल मान ले, सरकार मान ले, नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। जैसे आने वाले निकाय चुनावें हैं, तो निकाय चुनावों को लेकर भी क्या किसान? निकाय चुनावों में हमने सब किसानों से कह दिया, जो ईमानदारों से जिताओ, बेईमानों उसको भगाओ। तो किसानों की क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? आप समस्या में है कि नंबर एक, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार होता है। किसान आयोग ही किसानों की फसलों के दाम करेगा, उसमें कोई राजनेता नहीं रहेगा। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान और किसान आयोग के सदस्य किसान, और 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार, वो कर्जे माफ होने चाहिए। और आयोग को कीमत लगाने का अधिकार होना चाहिए। पुलिस की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए उसको बढ़ाया जाए। और यदि किसान दुर्घटना मरे तो 1 करोड़, पुलिस मरे तो शहीद हो तो 2 करोड़, और मीडिया वाले कहीं चौथा स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, वो शहीद हो जाए तो 4 करोड़।